We are students of 11th class English Literature. How are you all students? I hope आप सब बच्चे अच्छे हैं, safe हैं. And as you know कि हम आपका English Literature subject start कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारी first section के बारे में read करना start किया था. First section हमने लिया था poetry. Poetry के अंदर हमने आपकी सबसे very first poem ली थी द पिकॉक. पिकॉक और इसमें हम अबाउट द पोइटस और अबाउट द पोइम थोड़ा बहुत रीड कर चुके थे. अबाउट द पोइट में देर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक इन माई रीडिंग. हमने इसमें देखा था कि शिवन द कॉमनवेल्थ poetry prize for the asia section for her collection of poems brinzem. isme kya tha ki inhe commonwealth prize mila tha asia section ka, theek hai, unki collection of poem brinzem ke liye jahan se hamari poem the peacock li gayi hai. to ye shayad reading karte time isme thodi gadbad ho gayi thi, to aap dekh lena use. aaj hum aapki poem start karenge the peacock, aur usme humne dekha tha ki किस तरह जो पोइटस है वो एक पिकॉक को इतने अच्छे से डिस्क्राइब करती है, उसका इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें देती है, उसकी अपीयरेंस का, उसकी ब्यूटी का, उसकी वो मैग्निफिसेंस का, है ना. और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रही है. वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फॉरेन में रहकर अपना इंडियन कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन सब क्या है फॉरगेट करती जा रही है. तो उसे ये फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत गलत है. तो ये सारी पोइम जो है एक इमेजिनरी पोइम है और एक सब्जेक्टिव पोइम है, ठीक है. इस पोइम के अंदर टोटल 29 लाइंस है, 8 लाइंस इन फर्स्ट स्टैंजा एंड 21 लाइंस इन सेकंड स्टैंजा. लेट्स गेट स्टार्टेड अवर पोइम द पिकॉक. हिज लाउड शार्प श्रिल seems to come from nowhere, then a flash of turkeys in the peepal tree, the cylinder neck arced away from view as he descends, as he darts away a glimpse of very end of his tail. So dear students, hum dekhte hain. His loud sharp still, his loud sharp call seems to come from nowhere. मोर की, पिकॉक की जो बहुत तेज़ तीखी आवाज़ होती है, ऐसा सीम होता है, ऐसा लगता है टू कम, वो आ रही है. पर वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम नोवेयर. हमें नहीं पता कि वो लाउड शार्प श्रिल जो है उसकी जो कॉल है, श्रिल आवाज़ है, वो कहाँ से आ रही है. वी डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है. इन द वेरी फर्स्ट लाइन पोइटस वॉन्ट्स टू से दैट कि जो पिकॉक है उसकी मुझे कहीं से आवाज़ तो सुनाई दे रही है, उसकी वो जो श्रिल वॉइस है, जो तीखी आवाज़ है, बट वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, आई डोंट नो. देन अ फ्लैश ऑफ टर्कीज इन द पीपल ट्री. फिर उसे क्या है, एक हल्की सी फ्लैश दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है पीपल के पेड़ में से. कैसी चमक? टर्कीज़. टर्कीज़ एक प्रकार का डायमंड होता है, ठीक है, जो क्या है, ब्लू और ग्रीन कलर की शेड देता है. तो उसे क्या है, उस ब्लू और ग्रीन कलर की थोड़ी बहुत कुछ शेड दिखाई देती है उस पीपल ट्री में से. तो उसे क्या लगता है कि वहाँ पर शायद कोई पिकॉक जैसा बर्ड बैठा है, ठीक है. ब्लूइश ग्रीन कलर की शेड आ रही है उसमें से. द सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम व्यू एज ही डिसेंड्स. और वो जो सिलेंडर नेक है, पिकॉक की जो नेक होती है बहुत पतली सी, बहुत ब्यूटीफुल नेक होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो सिलेंडर नेक, वो जो पतली सी नेक है ना, आर्क्ड अवे फ्रॉम व्यू, वो आपसे कहीं दूर जाती हुई दिखाई दे रही है एज ही डिसेंड्स, जैसे जैसे वो जो टर्कीज़ कलर की कोई चीज़ है जो नीचे नीचे आ रही है. तो हमें ऐसा फील होता है कि वो सिलेंडर नेक जो है जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे हमसे वो दूर जा रही है.
एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वो जो सिलेंडर नेक है टर्न करती है, मूव कर जाती है, हमारी तरफ से मुंह फेर लेती है, तो अ ग्लिम्स हमें एक झलक दिखाई देती है, ग्लिम्स दिखाई देती है ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, जो उसकी बहुत ही लास्ट वाला पार्ट होता है उसकी टेल का, उसकी पूंछ का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इन फर्स्ट स्टैंजा पोइटिस क्या कर रही है, पोइटिस जो है वो पिको की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, कि किस प्रकार उसे ऐसा फील होता है कि जो पिको की लाउड वॉइस आई है बट कहाँ से आई है उसे नहीं पता, उसे पीपल के पेड़ से एक थोड़ी सी ब्लूइश ग्रीन कलर की कुछ चमक दिखाई देती है जो उसे ऐसा फील होता है कि वो पिकॉक है, क्योंकि ये सारी इमेजिनरी पोइम है तो वो एक इमेजिनेट कर रही है एक पिकॉक को। और देन उसे एक सिलेंडर नेक, पतली सी गर्दन कुछ आती हुई दिखाई देती है नीचे की तरफ, और उसे फील होता है कि जैसे जैसे वो नेक डिसेंड हो रही है नीचे की तरफ आ रही है पीपल ट्री से, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि कोई चीज़ है जो उससे दूर जा रही है। एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वो टर्न होती है चीज़, तो उसे क्या दिखाई देती है, एक बड़ी ही प्यारी सी छोटी सी टेल दिखाई देती है, कलरफुल टेल दिखाई देती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ अगर इसे हम लें, इसका मेटाफर देखें, अगर हम देखें भी तुलना किससे कर रहा है, तो पिकॉक पोइम जो है एक साइड से तुलना करती है सोसाइटी की, कि सोसाइटी के अंदर कैसे होते हैं कि चारों तरफ से हमें इतने कमेंट्स, इतने बैड थिंग्स देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। और पीपल ट्री यहाँ एज अ सोसाइटी लिया गया है कि, और समाज के अंदर हम जिस समाज के अंदर रहते हैं वहाँ से हमें अलग अलग झलकियाँ दिखाई देती हैं इन बुराइयों की, और जैसे ही वो जो हमें वो जो बुराइयाँ हैं, वो जो बैड थिंग्स हैं, वो हमसे दूर जाती हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है हमें हमारे इनर ब्यूटी दिखाई देने लग जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड दिखाई देने लग जाता है, और हमारी क्या है हम प्योरिटी की तरफ चलने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा एंड रीड अ बुक, preferably one of your favorite, with great concentration. The moment you begin to live inside the book, a blue shadow will fall over you. The wind will change direction. The steady hums of bee in the bushes nearby will stop. The cat will awaken and stretch. Something has broken your attention, and if you look up in time, you might see the peacock turning away as he gathers his tail to shut those dark glowing eyes, violet fringed with golden amber. It is a tail that has no blink, four eyes that are always open. So dear students, poetess wants to say that ki I was told, mujhe aisa kaha gaya tha, that you have to sit in the veranda, कि आप वरेंडे के अंदर आराम से बैठो, and read a book, और एक किताब पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर read a book एक simple book भी हो सकती है, या एक ऐसी book जो किसी कोई epic हो, जैसे रामायण महाभारत type, कहा गया था कि आप उसे पढ़ो। ठीक है, and then preferably, और किसे प्राथमिकता दो, वन ऑफ योर फेवरेट, कि आपकी जो भी पसंदीदा बुक है आप उसे प्राथमिकता दो, और उसे विद ग्रेट कंसंट्रेशन, बड़े ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ो, पूरा ध्यान लगा के उस बुक को रीड करो। द मोमेंट, और वह क्षण, यू बिगिन टू लिव, जब आप उसमें जीना शुरू कर देंगे, इनसाइड द बुक, उस बुक के अंदर, उस मोमेंट जब आप उस बुक को जीना शुरू कर देंगे अपने अंदर, यानी उसे इतने ध्यान से पढ़ेंगे कि आप उसके अंदर मशरूफ हो जाएंगे,
अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू। तो एक ब्लू कलर की शेडो, नीले रंग की छाया आपके ऊपर गिरेगी। हेयर ब्लू शेडो मीन्स ब्लिस ऑफ गॉड। ब्लू शेडो, ब्लू कलर इज सिंबलाइजेस ऑफ कामनेस, काइंडनेस। ठीक है, तो एक ब्लू शेडो यानी एक भगवान की ब्लिस, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का वरदान, वरदान जो है आपके ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप उस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस बुक से, अगर वो बुक कोई रिलीजन से रिलेटेड है यानी कोई एपिक है अच्छा, और आप कोई भी कल्चरल बुक पढ़ रहे हो, और ऐसा आपको फील होगा कि आप कहीं पे गॉड से कनेक्ट हो चुके हो। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और इस तरह हवा भी अपनी दिशा बदल देगी। द स्टेडी हिम्स ऑफ बीज इन द बुशेज नियर बाय विल स्टॉप, और जो स्टेडी कंटिन्यू चलने वाला मधुमक्खियों का ग्रुप है, उनकी जो भिनभिनाहट है, हम्स है, हम्स क्या होती है, मधुमक्खियों की आवाज़ को बोलते हैं, इन द बुशेज जो उस झाड़ियों से आ रही है, नियर बाय नज़दीक की, विल स्टॉप, वो क्या है, रुक जाएगी। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो पोइटेस यहाँ कहना ये भी कह सकती है या कहना चाह रही है कि इस सोसाइटी के अंदर जब आप लोगों की परवाह ना करते हुए आप अपने में खुद को बिजी कर लेंगे, अपनी आप बुक रीडिंग करेंगे, आप गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और जब आप गॉड से कनेक्शन अपना बिठा लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, द स्टडी हिम्स ऑफ बीज, ये जो आपके आसपास जितनी भी बीज घूम रही है ना सोसाइटी में, जो लोग हैं जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, वो क्या है, आपको सुननी अपने आप बंद हो जाएंगी, वो क्या है, अपने आप स्टॉप हो जाएंगी। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, कैट उठेगी और स्ट्रेचिंग करेगी, अपना आलस उड़ाएगी। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और ऐसा कुछ होगा जो आपका ध्यान तोड़ देगा। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और आप जब उस समय को देखेंगे, यू माइट सी, और आप ये देखेंगे शायद, द पिकॉक टर्निंग अवे, कि पिकॉक जो है मुड़ चुका है, एंड एज ही गैदर्स हिज टेल, और वो अपनी टेल को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। एक पिकॉक जो होता है वो अपनी टेल को कब इकट्ठा करता है, जब उसे कहीं फ्लाई करके जाना होता है, उस एरिया को छोड़ना होता है। और जनरली हमें क्या अच्छा लगता है, जब पिकॉक जो होता है वो अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ हमें दिखाई देता है, या पंख फैलाकर बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ उसकी विंग्स, उसकी जो विंग्स है, उसकी जो टेल है, उसे ओपनिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ उसके टेल की गैदरिंग की बात कर रहे हैं, कि वो टेल उसने इकट्ठी कर ली है, और ऐसा सीम प्रतीत हो रहा है कि वो कहीं जाना चाहता है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज वॉयलेंट फ्रिज्ड विद गोल्डन एम्बर, और ऐसा कहा जाता है कि पिकॉक जो होता है वो किसी पर्सन से डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, आँख नहीं मिलाता। तो क्या हो रहा है कि टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज, उन डार्क गहरी ग्लोइंग चमकती हुई आँखों को बंद करने के लिए क्या होता है, वॉयलेट फ्रिंज्ड विद गोल्डन एम्बर, वॉयलेट कलर का फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड क्या होता है, एक हैंगिंग लटकता हुआ धागा जिसे बोलते हैं, जो किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब आप पिकॉक की आईज़ देखेंगे ना, पिकॉक की आईलिड्स नहीं होती, उसके ऊपर ये वॉयलेट फ्रिंज्ड होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है जो उसकी आईज़ को बहुत डेकोरेट करती है, और विद गोल्डन एम्बर, सो गोल्डन एम्बर यानी वो सुनहरे कलर का कुछ वॉयलेट कलर में मिक्स, ऐसी उसकी आईज़ इतनी प्यारे कलर की होती हैं, बट वो फिर भी किसी ह्यूमन बीइंग से आईज़ कॉन्टैक्ट नहीं करता है। इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक, और यह है उसकी वो पूंछ ही होती है जो हमें ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है, फॉर आईज़, उन आँखों को दिखाई देती है, दैट आर ऑलवेज ओपन, और वो आँखें जो हमेशा खुली रहती हैं। मतलब इस इन लाइंस का
समरी कंक्लूज़न यह निकलता है कि एक पिकॉक जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से आई कांटेक्ट नहीं करता, आंखें नहीं मिलाता, आंखें चुराता रहता है, बट एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, उसे हमेशा अपनी ओपन आईज़ करके, वाइड आईज़ करके देखने की कोशिश में लगा रहता है कि मैं उसकी ब्यूटीफुल आईज़ देख लूँ, उसके सिर की कलंगी देख लूँ, उसकी टेल देख लूँ, उसकी ब्यूटी देखूँ, है ना, कितना ब्यूटीफुल है वो। तो इसे हम अगर दूसरी साइड से देखें, मेटाफर इसका हम देखें, तो वो एज अ सोसाइटी, सोसाइटी मेंबर के रूप में वो हमें कहना चाहती है कि जैसे मोर अपनी आंखें नहीं मिलाता बट ह्यूमन बीइंग उसे देखने के लिए हमेशा अपनी आंखें वाइड करके खड़ा रहता है, उसी तरह जैसे आपकी जो इनर सोल है, आपका जो अंदर इनर सोल है, वो आपको आके नहीं कहेगी कि आओ मुझे समझो, मेरी बातें सुनो, आपको ही अपनी इनर सोल तक पहुंचना होगा और इन सारी बुराइयों से बचना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगे और समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।